यहाँ से गंदगी जो भी गए आपके सामने खा रही है, इनको इतनी गायें तो मर चुकी है, इनको जगह दे रखी है तो जगह के भी कुछ ऐसा नहीं है, गेट वगैरह कुछ लगा रखी नहीं है, फिर भी इनको पालन नहीं कर रहे नियमों का। तो हमने इतनी परेशानी हो गई, 2-3 दफ़े हमने जाके ही बोला है, हमारे पार्षद को भी बोला, मैंने खुद नहीं बोला है, भाई साहब इन खर्चा को इसको एक बार आप साइड से आपको अलग से भटकाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है अब तक। कितने साल हो गए? कम से कम 2-3 साल हो गए यहाँ से। और कितनी गाय मर गई? गाय कम से कम 50 गाय मर गई यहाँ से। अब क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है जल्दी जल्दी हटाओ यहाँ से, यहाँ से टाइम तो हम खुद हमारा कुछ फैसला लेंगे। यहाँ से गंदगी हमारे को नुकसान हो रही है, उनको क्या दिक्कत आ रही है? हमारा गाँव आ गया नज़दीक में, सारी हवा वगैरह जो भी जाती है तो हमारे बच्चे बीमार होते हैं, पहले दिन थैली हो गई दुनिया भर की, देखो बहुत परेशान है। आपका नाम? चंद्रराम गुजर। साहब हमने ना कई बार नगर परिषद के जो भी ये टेम्पो आते हैं ना, उनको कई बार हमने हिदायत दे दी है, उसके बावजूद ये मानते नहीं है, और उच्च अधिकारियों का हमारे को हवाला दे के और धमका दिया जाता है हमको कई बार हमारे गांव वालों को, और फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। और डेली है ना, एक कम से कम ये नहीं नहीं करते, ये जो नगर मदनगंज का पूरा कचरा है ना टेम्पो वाले, ये सब टेम्पो यही आते हैं और कचरा यही डाला जाता है, और हमारी गाय कम से कम 50 गाय तो मर चुकी है हमारी इस कारण से, और हम इतना परेशान हो चुका है, और हमारे गंदी ये धुंध वगैरह ये आती रहती है, हमारे हवा चलती रहती है, इससे हम काफ़ी लोगों की बीमारी का भी हुआ सर, और ये मुँह के मिला सर, ये सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर पटका जा रहा है सर, और ये जो ज़मीन है ना कोई स्टेडियम के लिए ही अलाउट हो रखी है। अब आपकी क्या मांग है, किस तरह से नगर परिषद को कार्रवाई करनी है? हमारी मांग ये है कि नगर परिषद अगर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं करेगी ना, तो हम कार्रवाई करेंगे और उनके साथ उनका विरोध करके, और हम टेम्पो वालों को रोक के जाएंगे। ठीक है, आपका नाम? राजेश सैनी है सर।